शिक्षक के साथ लेस्बियन रिश्ते का विरोध करने के बाद लड़की को मारता है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से आज दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद 21 वर्षीय लड़की ने अपराध के लिए कबूल किया। दिल्ली के कवि नगर क्षेत्र में एक महिला को बेरहमी से पीटा गया था, जब उसने अपने शिक्षक के साथ अपनी बेटी के समलैंगिक संबंधों पर आपत्ति जताई थी। 21 वर्षीय रश्मि राणा और उसके साथी निशा गौतम ने एक लोहे की छड़ी से महिला पर हमला किया, जिससे सिर की गंभीर चोटें आईं। लड़की के पिता सतीश कुमार ने 9 मार्च को अपनी बेटी और शिक्षक के खिलाफ फर्जी सूचना या प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी पुष्पा देवी को एक लोहे की छड़ी से पीटा गया था, जिसने बाद में उनकी मृत्यु का कारण बना दिया था। पुलिस तब से अभियुक्त की तलाश में थी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से आज दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद 21 वर्षीय लड़की ने अपराध के लिए कबूल किया। पुलिस ने यह भी कहा कि राणा थोड़ी देर के लिए अपने साथी के साथ रह रहे थे। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने कहा, लेकिन वह रश्मि अपने शिक्षक को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए गुस्से के एक फिट में उसने उसे मारा, जिसके कारण वह मां मर गई। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने कहा, पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि पुष्पा देवी का पति घर पर नहीं था जब घटना हुई थी। अपराध को स्वीकार करने के बाद रश्मि राणा ने पुलिस को बताया कि उसके रिश्ते के कारण उसकी मां ने अक्सर उसे अत्याचार किया था। राणा और उनके साथी दोनों को जेल भेज दिया गया है।